पाकिस्तानियों, अभी तक मैं हैरत में ही हूँ जो कि अभी पंजाब असेंबली में हुआ। मैं हमेशा समझता हूँ कि अल्लाह किसी वक्त हमारी जमहूरियत को उस सतह पे लेके जा जो मगरबी ममालिक में जो जमहूरियत के फ़ायदे होते हैं कौम को, क्योंकि जमहूरियत असल में एक कौम का मेरिटोक्रेसी भी होती है, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है, लेकिन जमहूरियत की एक बुनियाद होती है इखलाकियात। जमहूरियत के पार्लियामेंट की फौज नहीं होती, फौज कहीं और होती है, जिस्मानी ताकत किसी और के पास होती है, पार्लियामेंट के पास एक चीज होती है जिसको कहते हैं इखलाकियात, मोरालिटी। बरतानिया की जमहूरियत क्यों चलती है? क्योंकि उनका जो वजीर आजम है वो सिर्फ एक कर देता है, एक कानून तोड़ता है जो यहाँ खबर भी ना बनती, वो ये कह देता है कि जी मैं कोरोना के दौरान हमने गेट टुगेदर कर दी, खबर भी नहीं बननी थी, उसके ऊपर उसको रिजाइन करना पड़ता है। वो उस इखलाकियात की बुनियाद के ऊपर एक जमहूरियत खड़ी होती है। तो हमने जो तमाशा देखा, पहले तो मैं शुरू करूं कि जो तमाशा देखा सिंध हाउस में, सारी कौम के सामने सिंध हाउस में क्या हुआ, मंडी लगी, हमारे बच्चे देख रहे थे। अब तो सोशल मीडिया है, हर 8, 9, 10 साल के बच्चे के पास सोशल मीडिया है, सबके ऊपर तमाशा आ रहा था। रेट लग रही थी सियासतदानों की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कीमतें लग रही थी कि कितनी कीमत में वो अपने जमीर बेचते हैं। जिस तरह भेड़ बकरियां बिक रही थी, बिकती है, उसी तरह सिंध हाउस के अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक के लीडर्स होते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो बिके वहां। उधर भी सबसे बड़ा शिकार कौन था? इस मुल्क का वो नामवर डाकू आसिफ जरदारी जो कि 30 साल से मुल्क को लूट रहा है, जेलों में भी जा चुका है, 14 साल से सिंध हुकूमत संभाल के बैठा हुआ है। सिंध हुकूमत यानी पाकिस्तान की अवाम के पैसे से खरीदो फरोख्त हो रही थी, बैरूनी साजिश का हिस्सा बना वो और उसके साथ ये शरीफ। जब वो लोग बिके, कोई हम सारी अगर किसी भी महजब माशरा होता और इस तरह ओपनली बंद करके लोगों को खरीदो फरोख्त होती तो कोई एक्शन लिया जाता। उससे पहले भी सेनेट के टिकट के ऊपर, जब सेनेट के ऊपर एमपीज को खरीदा गया, करोड़ों रुपया चला और पकड़ा गया यूसुफ रजाई गिलानी का बेटा, पकड़ा गया रिश्वत देते हुए, कुछ नहीं हुआ। बड़ी देर लगी, यानी इतनी बड़ी गवर्नमेंट गिर गई। एक राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई, उसने कहा हिंदुस्तान को, वो कहता कि आपको फौज की जरूरत नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, बस थोड़े अरब रुपए जमा करो, आप हुकूमत गिरा सकते हैं। शर्मिंदगी है हम सब के लिए कि हमारी ये कीमत रह गई। जिस तरह कभी किसी ने कहा था, एमल कांसी के वकील ने, कि पाकिस्तानी डॉलर्स के पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो खैर हुआ, मैं पब्लिक में निकला, आप सबके सामने पब्लिक में गया, पब्लिक को उठाया कि जुल्म है। पुरमन एहतजाज किए, पुरमन जलसे किए। एक पुरमन एहतजाज जो हमारा था 25 मई को, उसके ऊपर जुल्म किया गया, औरतें बच्चों के ऊपर शेलिंग की गई, वो रात के घरों में घुस घुस के जो पुलिस ने किया, उसके बाद भी हम पुरमन रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।